सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार व युवा नेते पार्थ दादा पवार के मार्गदर्शन में राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुंबई उपाध्यक्ष अबरार अहमद उर्फ मज्जन खान और 197 वार्ड के वार्ड अध्यक्ष जाफर खान के माध्यम से वर्ली विधानसभा क्षेत्र के 197 वार्ड में ज़रूरतमंद लोगों को राशन का किट बांटा जा रहा है। इस सराहनीय कार्य में मज्जन खान के साथ वार्ड के सभी कार्यकर्ता उनके कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रहे हैं। मज्जन खान के इस सराहनीय कार्य को देखते हुए वर्ली विधानसभा क्षेत्र के 197 वार्ड की जनता में खुशी का माहौल उत्पन्न है। नमस्कार दोस्तों, मैं MQ खान और आप देख रहे हैं गुना टाइम्स न्यूज़। और मैं अभी आया हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस के मुंबई उपाध्यक्ष अबरार अहमद उर्फ मज्जन खान के ऑफिस में। इन्होंने पिछले लॉकडाउन से लेकर अभी तक ये लॉकडाउन में भी इन्होंने बहुत सारे काम किए, जनहित का काम, जो कि जैसे राशन बांटना, मेडिकल कैंप लगाना, दवाइयां बांटना, बहुत सारे करते आए हैं। आज हम इनसे दो बात करेंगे। मज्जन भाई, सबसे पहले तो गुना टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं जो है अपने सरकार के जो है वो शुभेच्छा करूंगा कि सरकार ने जो है हमारा बहुत सपोर्ट किया। हमारे CM जो है उद्धव जी ठाकरे और हमारे डिप्टी CM अजीत दादा पवार और हमारे बम्बई अध्यक्ष जो है नवाब मलिक साहब और जो हमारे हलके के आमदार है आदित्य ठाकरे साहब, इन लोगों के सपोर्ट से ही ये सब काम चल रहा है। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जैसा उन्होंने अभी तक सपोर्ट दिया है, आगे भी सपोर्ट देंगे, तो इससे ज़्यादा हम लोग जो है लोगों की मदद कर पाएंगे और लोगों का सहयोग कर पाएंगे। इसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं जी। खान साहब, आपने तो देखा है लास्ट समय जो है हम लोगों ने मिलकर काम किया है और आप हर जगह पर मौजूद थे। जहाँ भी जो लास्ट समय हम लोगों ने कोरोना काल के अंदर जो मार्च से लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने जो है किट बांटना, सैनिटाइज़र बांटना और जो है मास्क बांटने का काम काफ़ी जगहों पर किया पूरे वर्ली में। और उसके बाद में सबसे मेहनत वाला काम और सबसे अहम काम जो था वो लोगों को अपने अपने घर भेजना, जैसे माइग्रेंट लेबर, तो हम लोगों को जो है वर्ली पुलिस के तरफ से और जो हमारे जोन के DCP थे उस समय के और एडिशनल CP थे, उनका बहुत सपोर्ट मिला और उनके सपोर्ट के बदौलत हम लोगों ने काफ़ी काम किया। उस समय के हमारे सीनियर PI जो है सुखलाल वर्पे साहब थे, उन्होंने इतना मेहनत किया कि हम लोगों ने तकरीबन 17-18 हज़ार माइग्रेंट लेबर को ले जाके स्टेशन तक छोड़ा। हमारे यहाँ के सीनियर साहब, ACP साहब, ये लोग वहाँ पे उनको छोड़ने जाते थे, उनके साथ में हम लोग ट्रेन में बिठा के उनके गाँव के लिए रवाना करना, ये सब काम किए। ये करते करते हम लोग जो है पॉजिटिव भी हो गए। आपने देखा होगा खान साहब कि हम जो है पॉजिटिव होकर हम लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, यहाँ तक कि हमारे सीनियर साहब जो शुक्ला और वर्पे साहब थे वो भी पॉजिटिव हो गए, वो भी हॉस्पिटलाइज हो गए। तो काफ़ी काम किए हम लोगों ने, लेकिन हॉस्पिटल से आने के बाद में भी हम रुके नहीं, हमारे लोग और हम कंटिन्यू काम चालू रखे। अब एक साल कंप्लीट हो गया, फिर वापस से जो है लॉकडाउन जो है समस्या आ गई और फिर ये देखे तो इसमें ये ऐसा लगा कि अब लोग पहले से ज़्यादा अब और परेशान हैं, इसलिए कि लोगों के अपना नौकरी के है प्रॉब्लम्स, किसी का ये है। तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि अभी जो है वापस से किट वगैरह बांटने का काम तेज़ी से किया जाए। तो अभी मैं 10,000 किट फर्स्ट स्टेज पर 10,000 किट बांट रहा हूँ, हर घर को जो है एक एक किट हम लोग दे रहे हैं, जिसमें कि राशन है, चावल है, आटा है, दाल है, शक्कर है, जो रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं उसके अंदर। और दूसरा फिर एक काम और चालू किए हैं कि हम जो है अपने खाने का पैकेट वाटअप चालू किए हैं दोपहर का और शाम का। तकरीबन अभी स्टार्ट में हमने 500 लोगों का अरेंजमेंट किया है दोपहर और शाम को खाने का, उसमें पैकेट बंटता है, लोग आते हैं और पैकेट लेके जाके जो भी है सोशल डिस्टेंसिंग उसके मद्देनज़र सब रखते हुए उसको।
तीसरा जो है हमने काम चालू किया है कि लोगों को जो थोड़ा गरीब तबके के है और जो कोई बीमारी में ये हो गए तो दवा वगैरह जो कंटिन्यू दवा लगता है खान साहब, जैसे कि ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या हार्ट का प्रॉब्लम है, या किडनी का प्रॉब्लम है, या कैंसर है, तो जिसको कंटिन्यू दवा लगना ही है, तो उनके लिए भी एक ये किए है कि कोई भी एक परिवार का कोई भी रहेगा तो उनको हम एक महीने की दवा फ्री देते हैं, भले मतलब किसी भी उसमें हो, चाहे कोई भी बीमारी का हो, उसमें कोई पैसे की भी बंदिश नहीं है कि बस आपको इतने रुपए का ही देंगे, एक महीने का जो भी उनका कॉस्ट आता है वो हम अपनी तरफ से उनको देते हैं, लेकिन उनका डॉक्टर के जो रहता है चिट्ठी उसके हिसाब से ही दिया जाता है, उनके चिट्ठी के डॉक्टर लेते हैं और डॉक्टर की चिट्ठी लेके और उनके घर पर जो एक महीने की दवा भेज दिया जाता है। ये काम अभी ये लॉकडाउन में चालू किए है और बड़ी तेज़ी से चल रहा है, आप देख रहे हो कि सब राशन वगैरह भी बट रहा है, अभी खाने का भी टाइम हो रहा है तो अभी खाना भी बटना चालू हो जाएगा। जैसे कि आप सुन रहे थे मज्जन खान साहब को, इन्होंने पिछले लॉकडाउन से लेकर अभी तक क्या क्या काम किए इन्होंने बताए। सबसे इम्पोर्टेंट मेन काम था पिछले लॉकडाउन में, जो कि मैं खुद साथ में रह के देखा हूँ और किया हूँ, जो कि धूप में जामुरी मैदान के अंदर धूप में 3 घंटा 4 घंटा खड़े होके, उस टाइम वर्ली पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई सुखलाल वर्पे साहब थे, वो भी इनके साथ में खड़े होके उन लोगों ने माइग्रेंट लेबर लोग को जो यहाँ जामुरी मैदान से गाड़ी में बिठा के कुर्ला स्टेशन तक छोड़ना, फिर वहाँ कुर्ला जाके उनको ट्रेन के अंदर बिठा करके उन लोगों को गाँव भेजे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा ये कहना है कि लॉकडाउन में अच्छे से अच्छे लोगों ने जनता को पूछा नहीं है। इस दौरान इस लॉकडाउन में कोरोना काल में मज्जन भाई एक अपने भाई के जैसे खड़े रहे, उन्होंने राशन बांटा है, सैनिटाइजर बांटा है, कैंप लगाया है, बहुत कुछ हेल्प किया है। आपका नाम क्या है मैडम? फरजाना शेख। कहाँ रहते हैं आप? मैं मरियमा नगर में। आपको क्या बोलना है मैडम? इन्होंने बहुत हम लोगों की मदद की है, जैसे कि राशन देना हो, खाना हो, अभी तो 2 टाइम खाना भी चालू कर दिए, गरीबों की बहुत सारी मदद करते हैं, बहुत हम लोग को सपोर्ट है इनसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नसरीन है, मैं मरियमा नगर में, अभी मैं तो अभी शिफ्ट हुई हूँ यहाँ पे बदलापुर से, मगर मैं अभी यहाँ पे देख रही हूँ लॉकडाउन में जितना मेरे को वहाँ पे जितनी तकलीफ थी, यहाँ पे मेरे को उतना आराम मिला है। इनके ज़रिए से मेरे घर पे राशन खाना हर चीज़ मेरे को मिला है। मतलब राशन मिला आपको? हाँ, बहुत। आपका नाम क्या है मैडम? आपको क्या बोलना है इस विषय में, जैसे कि मज्जन भाई ने लोगों तक इतने राशन पहुँचा रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसके बारे में क्या बोलना? नहीं, मज्जन भाई ने इस दौरान जो किए लॉकडाउन में, वो सब पब्लिक के लिए अच्छा किए, वही बोलेंगे, और हम भी चाहते कि पब्लिक उनको सपोर्ट करे आगे। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम निर्मला, निर्मल है। क्या आप क्या बोलना चाहेंगे जो मतलब सहयोग कर रहे हैं मज्जन भाई, उसके लिए क्या बोलना चाहेंगे? वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब पब्लिक के लिए हर चीज़ दे रहे, राशन सैनिटाइजर और जो कुछ भी मदद लगती है वो सब देने को तैयार है हम लोग को सब। आपको मिल गया राशन? हाँ, मुझे मिल गया। आपको जो मज्जन भाई की तरफ से राशन का किट मिल रहा है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे लोग? ये मज्जन भाई जो ये काम कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या आज ही नहीं, इसके पहले भी उन्होंने ऐसा काम बहुत किया है। और मज्जन भाई ऐसा आदमी है यहाँ पे कि अपने गरीब जनता के लिए जो है गरजू उनके लिए बहुत करते हो। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी को शुक्र अदा करूँगा कि मज्जन साहब ने बहुत हेल्प किया यहाँ के लोकल और जो रेसिडेंसी लोग हैं वर्ली सभा में, जो भी यहाँ पर रहते हैं मुंबई में, तो उन्हीं ने बहुत मेहनत की और काफ़ी लोगों को किट बांटा और काफ़ी लोगों को हम लोग अगले टाइम लॉकडाउन जो लगा था साल का उसको रख के हम लोग ने मेहनत की है, जितने छोकरे लोग थे वर्ली के, और मुंबई पुलिस ने हम लोगों का बहुत साथ दिया और मज्जन साहब ने बहुत सपोर्ट किया, उनके माध्यम से हम लोगों ने मेहनत की है और इंशाल्लाह आगे भी मेहनत करेंगे। आज भी किट बट रहा है, काफ़ी 10,000 लोगों की किट बट रही है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, शुक्र अदा करूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोगों को, वर्ली की जनता को मालूम हो कि ये जो कोरोना काल के पीरियड में हमारे मज्जन भाई अपनी तरफ से ये राशन लोगों की मदद के लिए बंटवा रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि जिन लोगों के पास अपने अपने राशन कार्ड हो, वो कार्ड लेके आए और यहाँ कार्ड बनवाए और अपने अपने राशन अपने अपने घरों लेके जाएँ और आते इलेक्शन में इंशाल्लाह मज्जन भाई को सपोर्ट करें, अपने भारी मतों से उन्हें विजयी बनाए।